दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम में एक दौर था जब पेसर से ज्यादा स्पिनर्स का दबदबा रहता था, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे धारदार तेज गेंदबाज भी रहे हैं जिन्होंने एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, और उन्हीं में से एक है 10 साल से ज्यादा इंडियन टेस्ट टीम के बॉलिंग अटैक की कमान संभालने वाले ईशांत शर्मा। ये बोलना कि ईशांत करेंटली इज द बेस्ट इन बिजनेस ये गलत नहीं होगा। वेल, इंडियन टीम इंग्लिश टूर पर है जहां ईशांत शर्मा की परफॉर्मेंस पर सभी की नगाहें रहने वाली हैं। जब वो 33 साल के हुए हैं तो ऐसे में उनके अचीवमेंट्स पर नजर डालना तो बनता है बॉस। हेलो व्यूअर्स, क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब क्रिकेट लाइन गुरु, क्योंकि भाई लोग आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे आप हमारे किसी भी वीडियो और लेटेस्ट अपडेट को मिस ना करें। गाइस, देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन का नाम टॉप पर है, लेकिन ईशांत शर्मा ने सभी कॉन्टिनेंट में धावा बोला है और अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों को झुकाया है, और रिकॉर्ड्स भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। ईशांत ने होम ग्राउंड से ज्यादा विकेट्स फॉरेन कंट्रीज में लिए हैं। स्टैट्स पर अगर हम गौर करें तो टेस्ट क्रिकेट में 41 मैचेस उन्होंने इंडिया में खेले हैं और 104 विकेट्स चटकाए हैं, तो वहीं इंडिया के बाहर उन्होंने अब तक 62 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 204 विकेट्स अपने नाम करे हैं। शर्मा जी के रिकॉर्ड के बारे में आप शायद ही जानते होंगे कि वो इंडिया के एकमात्र पेसर हैं जिन्होंने 6 टीम के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल पर कब्जा करा है, जिसमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। भाई, बॉलर और बैट्समैन के बीच कई बार ऐसा रिलेशन बनता है जहां बॉलर किसी न किसी एक पर्टिकुलर बैटर के रास्ते का कांटा बन जाता है, यानी कि उसे आउट करके ही दम लेता है। इस मामले में ईशांत और इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन एलियस्टर कुक का का आंकड़ा रहा है, जहां उन्होंने कुको 12 बार अपना टारगेट बनाया है। वहीं 8 बार वो रिकी पोंटिंग, शेन वॉटसन, माइकल क्लार्क, इयान बेल और महिला जयवर्धने को भी पवेलियन भेज चुके हैं। वेल, सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2007 में ईशांत ने डेब्यू किया था, उस वक्त उनकी उम्र करीब 19 साल थी, और अब लगभग 13 साल बाद वो इंडिया के लिए 104 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 311 विकेट्स चटका चुके हैं। रही बात इंडियन बॉलर्स की, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बाजों में वो जहीर खान की बराबरी कर चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर बैठे हैं ऑलराउंडर कपिल पाजी, जिन्होंने 434 विकेट लिए हैं। अब रही बात वनडे इंटरनेशनल्स की, तो शर्मा जी ने अब तक 80 ओडीआई मैचेस खेले हैं और 72 विकेट्स अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि 2016 के बाद से वो इस फॉर्मेट में वापसी नहीं कर पाए हैं। देखा जाए तो टी20 इंटरनेशनल्स में भी उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं जिसमें 8 विकेट्स उनकी झोली में गिरे हैं, और इस फॉर्मेट में वो लास्ट टाइम 2013 में खेले थे। तो दोस्तों, क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में धारदार तेज तर्रार गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 19वें पायदान पर बैठे हैं, एंड वी होप कि वो आने वाले कुछ सालों तक इंडियन बॉलिंग अटैक में इसी तरह से जान फूंकते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।